For more gossips, news and videos, download the Nehre app now. वैलेंटाइन वीक मनाया जा रहा है और उसमें तीन बहुत ही रोमांटिक एल्बम रिलीज़ किए जा रहे हैं। एक अनुराधा जी का है, एक ललित जी का है और एक आर्यन का है। तीन हमारे देश के बहुत अच्छे टैलेंट्स जिन्होंने गाने में अपना लोहा मनवाया है। तो उन तीनों एल्बम की जो बाकी डिटेल है वो ललित ही बताएंगे, क्योंकि ललित की ही ये म्यूज़िक कंपनी से रिलीज़ हो रहा है। इनकी म्यूज़िक कंपनी है रेड रिबन, जिसमें हमारे भी बहुत एल्बम रिलीज़ हुए हैं। ना जाने कितने आर्टिस्ट इनके यहाँ गा चुके हैं। इनके यहाँ जगजीत सिंह साहब के बहुत एल्बम हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जी के हैं, शिव कुमार शर्मा जी के हैं, अरिजीत सिंह के हैं, कोई मतलब जो नाम ले लीजिए, सोनू निगम ले लीजिए, कोई नाम ले लीजिए, सब ने इनके यहाँ गाया है। बल्कि एक गज़ल तो मैंने कंपोज़ की थी अरिजीत सिंह के लिए, जो उन्होंने गाई थी और बहुत अच्छी गाई थी। सोनू निगम ने भी बहुत अच्छी गाई थी एक गज़ल। तो मैं चाहूँगा कि ये जो तीन एल्बम रिलीज़ हो रहे हैं वैलेंटाइन डे के दिन, उसके लिए जो विस्तार में बताना है वो ललित जी बताएं। जी मैम, कुछ विस्तार में बताइए। श्योर, इट्स वेरी स्पेशल डे एंड स्पेशल वीक, वैलेंटाइंस वीक, और बहुत सुंदर तीन रोमांटिक म्यूजिक वीडियोज़ रिलीज़ हो रहे हैं। फर्स्ट वीडियो अनुराधा पौडवाल जी का है, शी इज़ आउट ऑफ कंट्री सो शी इज़ नॉट हियर विथ अस, बट बहुत सुंदर तीनों सिंगर्स ने एक्ट किया है इसमें। एंड जो अनुराधा जी का है वो पिंक पिंक फील वाला है, एवरग्रीन मेलोडी है। अरियंत पंडित, वी ऑल नो हिम एज एन एक्टर, बट द सीक्रेट इज रिलीव्ड नाउ बिकॉज ही हैज संग, ही हैज गिवन द कंपोजिशन एंड राइटिंग, दोनों तीनों चीज़ किया है। And we are very happy that his first single is releasing today. And mera ek single hai, Ye Mujhe Kya Hua, and I have shot in Rishikesh, Masuri. And my co-actor is Mr. Haridwar, and he's been a Rubru Mr. India. And so I want to wish everyone in the world that let's spread love, let's be in love, and let's enjoy this beautiful, lovely, romantic म्यूज़िक वीडियोज़। मुझे तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, एक्चुअली मैं सच बताऊँ आप लोगों तो मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, पर मुझे पर नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बट मुझे इंडस्ट्री में काम करते 8 साल हो गए हैं। और हर आर्टिस्ट की तरह मेरे अंदर भी बहुत टाइप के इमोशंस हैं जो अपने काम के थ्रू मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट सिंगल है जिसमें मैंने सिंगिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, लिखा भी है, और बहुत सारा साइड लोगों को जानने को मिलेगा इस सॉन्ग से, और लोगों को पसंद भी आ रहा है ये सॉन्ग। तो मैं चाहता हूँ कि ये वैलेंटाइन वीक में जितने भी लोग हैं, जितने लोगों का दिल टूटा है, ये उन सारे लोगों तक पहुँचे, ये उन लोगों की आवाज़ बन करके लोगों को कहीं ना कहीं पावर दे कि इट्स ओके टू बी लाइक हार्ट ब्रोकन, बट ज़िंदगी वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उससे कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं। ओके अनुज जी, वैलेंटाइन का जिस तरीके से आपने बताया वीक है, क्या आपके लिए कितना मतलब वैलेंटाइन सुन के क्या दिमाग मेरे लिए क्या मेरे लिए जो है एवरी डे वैलेंटाइन डे, मैं तो रोज़ मोहब्बत करता हूँ, रोज़ मोहब्बत करता हूँ। अब जैसे हम कहें कि कोई म्यूज़िक डे होता है साल में एक, अरे हम तो रोज़ गाना गाते हैं यार, तो हमारा तो म्यूज़िक डे रोज़ होता है। कोई कहता है जी ये माता पिता के लिए डे है, अरे माता पिता का डे तो रोज़ होता है, रोज़ उनकी सेवा नहीं करते हैं, एक ही दिन करते हैं क्या साल में? इसलिए हमेशा फादर्स डे, मदर्स डे, ये रोज़ है। ऐसी वैलेंटाइन डे भी रोज़ है, हमारे अंदर इतनी मोहब्बत है कि हम रोज़ मोहब्बत करते हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसे होइए, अपनी मोहब्बत को रोज़ इजहार करिए, और जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको इतनी खुशियाँ दीजिए कि आपको भी फिर बदले में उससे भी ज़्यादा खुशियाँ वो दें।